नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं ज्ञान जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में। जो खबर है वो तो आप सबको पता ही होगी, अभी कुछ ही दिनों पहले इसराइल में जेरूसलम सिटी के अंदर जो अल अक्सा मॉस्क है उसका जो कैंपस है उसके अंदर जो हिंसा हुई, जिसमें इसराइल की पुलिस और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कई सारे लोग जख्मी हुए और कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिसके बाद से ही मुस्लिम वर्ल्ड में काफी ज्यादा इसराइल के प्रति आक्रोश जग चुका है और कई सारे लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो इस पूरे मुद्दे को भड़काने में सबसे मेन हाथ रहा है अल जजीरा और टर्किश मीडिया का, क्योंकि इन्होंने अपनी गलत रिपोर्टिंग और भड़काऊ रिपोर्टिंग के कारण लोगों को भड़काया है, ताकि वो लोग इसराइल और फिलिस्तीन का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसको और आगे बढ़ाएं। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन से। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई तो जो ऑटोमन एम्पायर था वो टूटा और कई देशों में बटा, और उसी में से जो इसराइल और फिलिस्तीन का एरिया था वो ब्रिटेन को मिला। ब्रिटेन में उस समय यहूदियों की यानी कि ज्यूस की जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा थी। उसी समय ब्रिटेन की गवर्नमेंट और ज्यूस लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट यानी कि डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसमें जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने उनको ये आश्वासन दिया कि वो लोग उन ज्यूस के लिए ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है एक अलग से जगह देगी जहां पे वो लोग अपनी सेटलमेंट बना सकते हैं। उसके बाद से ही ये जो फिलिस्तीन और इसराइल का एरिया है वो ज्यूस को दिया गया, और तभी से जो ज्यूस हैं उन्होंने वहां पे जमीन खरीदना स्टार्ट भी कर दिया था, और अरब के जो लोग हैं उन्होंने काफी महंगे दामों में उस समय ज्यूस को ये जमीनें बेची थी, और धीरे धीरे करके वहां पे एक अच्छी खासी सेटलमेंट ज्यूस की तैयार हो गई। ऑटोमन एम्पायर के समय भी वहां पे कई सारे ज्यूस रहते थे, लेकिन उस समय वो माइनॉरिटीज में थे। फिर आता है साल 1948 में इसराइल एक देश के रूप में स्थापित होता है, और इसराइल के देश के रूप में स्थापित होते ही कई अरब देश इस पे आपत्ति जताते हैं और उनके जो रिश्ते हैं वो इसराइल के साथ बिगड़ते चले जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 1948 में ही एक वॉर लड़ी जाती है इसराइल और अरब देशों के बीच में। हालांकि इस वॉर को तो इसराइल जीत लेता है, लेकिन वो तीन भागों में बढ़ जाता है, पहला गाजा स्ट्रिप, दूसरा इसराइल खुद और तीसरा वेस्ट बैंक। और ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है ये जाके मिलता है जॉर्डन को। जैसे ही वेस्ट बैंक के इलाके का कंट्रोल जॉर्डन को मिलता है वो उस जगह से जो ज्यूस सेटलमेंट है और ज्यूस लोग हैं उनको वहां से हटाने लगता है और फिलिस्तीनियों को वहां पे बसा देता है, जिसके कारण वहां पे उस समय रह रही 28 फैमिली जो कि फिलिस्तीन की थी उनकी और जॉर्डन की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें जॉर्डन की सरकार उन 28 फैमिलियों को ये वादा करती है कि वहां की जो जमीन है उसकी ओनरशिप उन फैमिलियों को देगी। हालांकि खुद जॉर्डन की सरकार के पास उस जगह की लैंड ओनरशिप नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस जगह की जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफर कर दी थी उन 28 परिवारों को। अभी जो पूरा मेन कॉन्फ्लिक्ट है ये उन 28 परिवारों और वो जो जिस जगह की बात हो रही है शेख जरा वाला इलाका उससे रिलेटेड है, क्योंकि इसके बाद आया साल 1967 जब इसराइल और अरब देशों के बीच में एक बार फिर से युद्ध छिड़ा, और इस बार भी इसराइल जीता, लेकिन इस बार इसराइल ने अपना जो वेस्ट बैंक वाला इलाका था उस पर वापस कंट्रोल पा लिया था, और साथ ही साथ जेरूसलम सिटी और जो शेख जरा वाला इलाका है वहां पे भी इसराइल की अच्छी पकड़ हुई थी। जैसे ये जो शेख जरा वाला इलाका है वो इसराइल के कंट्रोल में आता है तो इसराइल की गवर्नमेंट और जो वहां पे रह रही 28 परिवारों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो इसराइल की सरकार है वो उन लोगों को वहां पे रहने की इजाजत देती है, लेकिन एक किराएदार के हैसियत से, ना कि उस जगह के मालिक के रूप में। और उस समय उन 28 परिवारों ने ये शर्त मान भी ली थी, लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि वो 28 परिवार अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने उस जगह की ओनरशिप के लिए क्लेम ठोक दिया, और वो लोग जिद पे अड़ गए कि ये जमीन अब उन्हीं की है, जिसके कारण ये पूरा विवाद जन्मा। और इसको लेकर इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में इस समय केस चल रहा है, जिसका जो फैसला है वो 13 तारीख को आना था। और इसी पूरे मुद्दे को जो अल जजीरा और टर्किश मीडिया है उन्होंने गलत तरीके से दिखाया है, ताकि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके अंदर एक हेट्रेड पैदा हो सके इसराइल को लेकर, और इसराइल के जो लोग हैं उनके अंदर एक हेट्रेड पैदा हो सके फिलिस्तीन के लोगों को लेकर। तो अब अगर हम बात करें जो हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में, तो उसमें जो मेन हाथ है देखा जाए तो वो फिलिस्तीनियों का ही है, क्योंकि उन्हीं के कारण ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट इतने बड़े रूप में फैला है। एक्चुअली में देखें तो इस बारे में यानी कि इस हिंसा के बारे में इसराइल की इंटेलिजेंस को काफी पहले खबर लग चुकी थी कि रमजान के महीने में कुछ ना कुछ अल अक्सा मॉस्क में होने वाला है, जिसके कारण उन्होंने वहां पे जो लोगों की एंट्री थी उसे सीमित कर दिया था, यानी कि एक अपर कैप लगा दी थी कि इतने लोग ही उस समय वहां पे आ सकते हैं। उन्होंने वहां पे जो फिलिस्तीन के लोग आने वाले थे नमाज पढ़ने उनको रोका नहीं था, बस 10,000 लोगों की संख्या निर्धारित कर दी थी कि उतने लोग ही आके वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं। और जैसा कि उनकी इंटेलिजेंस को पता चला था कि उस दिन कुछ ना कुछ होगा, और वैसा ही हुआ, इसीलिए जो वहां की गवर्नमेंट थी इसराइल की उसने अतिरिक्त पुलिस बल
जेरूसलम में लगा रखा था और अल अस्का मॉस्क के पास भी काफी अच्छी तादाद में पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई थी, जिसके कारण वहां पे जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हुई, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मस्जिद के अंदर पहले से ही पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे, यानी कि जो फलस्तीन के लोग थे उनका पहले से ही वहां पे कोई एक प्लान था और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों ने वहां पे पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इसी को देखते हुए जो इजराइल की गवर्नमेंट है उसने पुलिस फोर्स लगाई हुई थी, और जैसे ही नमाज खत्म होती है अंदर से पत्थर चलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद इजराइल की फोर्स ने बहुत ही फोर्सफुली तरीके से वहां पर रिटेलिएट किया और इसमें जो हिंसक झड़प हुई उसमें कई लोग जख्मी हुए। और इस पूरे मुद्दे को जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं और जो अल जजीरा और टर्किश मीडिया है उन्होंने ऐसा दिखाया कि इजराइल ने जबरदस्ती मस्जिद के अंदर पुलिस भेजी और लोगों को मरवाया है, जिसके कारण पूरे ही मुस्लिम वर्ल्ड में और जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे एक हेट्रेड पैदा हो रहा है धीरे धीरे इसराइल को लेकर। एक दो दिन पहले ही गाजा की तरफ से 1000 मिसाइलें दागी गई। अभी जो गाजा की तरफ से 1000 मिसाइलें दागी गई हैं, बेसिकली ये दागी गई है हमास की तरफ से। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फलस्तीनियों के लिए लड़ता है, यानी कि वो जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, हमास ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो हमास वेस्ट बैंक वाला इलाका फिर से फलस्तीन को मिल जाए और जो जेरूसलम सिटी है वो वहां की कैपिटल बने। तो जो अभी एक दो दिन पहले जो 1000 रॉकेट फायर हुए हैं उसमें कई लोगों की जान जा सकती थी इसराइल में, क्योंकि ये जो लॉन्च थे ये सीधे सेटलमेंट्स पे किए गए थे, ताकि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि उन्होंने जो ज्यादातर मिसाइलें हैं वो एयर में ही डिफ्यूज कर दी थी। एक या दो मिसाइलें ही होंगी जो ग्राउंड पे आके हिट करी है। अब इसके बाद जो इसराइल ने जो अटैक किया है गाजा के ऊपर उसमें कई लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन जो फिर से अल जजीरा और टर्किश मीडिया जैसे रिपोर्टिंग हाउस ने केवल जो इसराइल का अटैक है उसको दिखाया है और ये दिखाया है कि इसराइल ने अपनी तरफ से पहल करते हुए वहां पे अटैक किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक दिन पहले जो गाजा की तरफ से यानी कि हमास द्वारा जो मिसाइल फायर की गई थी उनसे हजारों लोग मर सकते थे, और उसी का रिटेलिएट करते हुए इसराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी गाजा पे जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और उसी में से एक नाम सामने निकल के आ रहा है जो है सौम्य संतोष का, जो कि केरला की निवासी थी और इस समय इसराइल में एज अ नर्स वो काम कर रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इसमें इसराइल की गलती है या फलस्तीन की गलती है। देखा जाए तो गलती दोनों की है कि जो निर्दोष लोग हैं वो दोनों तरफ मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एक तरफ देखेंगे तो आज जो मीडिया है वो केवल फलस्तीन को ये दिखा रहा है कि वो विक्टिम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग हुई थी वो फलस्तीन द्वारा ही की गई थी। तो इसीलिए इस जो मुद्दा है ये इस समय काफी पेचीदा बनता चला जा रहा है, और जल्द से जल्द अगर बाकी देश इसमें इंटरवेंशन नहीं करते हैं तब तक ये मुद्दा नहीं सुलझेगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।